नमस्कार, स्वागत है आपका एसी टुडे न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ शिवांगी सिंह। फिरोजाबाद में हत्यारे पति को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पिछले 3 महीने से थी पुलिस को तलाश। यूपी के फिरोजाबाद में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पिछले 1 महीने से फरार हत्या के आरोपी को पुलिस ने अपनी गिरफ्त में लिया है। इसके पास से एक पिस्टल भी बरामद हुई है जिसका इस्तेमाल हत्या में किया गया था। आपको बता दें, पिछले महीने 25 तारीख को आवास विकास कॉलोनी शिगोहाबाद में एक महिला की गोली मारकर हत्या की गई थी, जिसमें हत्यारा कोई और नहीं बल्कि महिला का पति ही था। थाना शिकोहाबाद के आवास विकास कॉलोनी में एक मकान के अंदर 27 अप्रैल को एक सरोज देवी नामक महिला की हत्या कर दी गई थी। महिला की हत्या उसके स्वयं के पति द्वारा की गई थी। उसका पति यतेंद्र, जो पुलिस विभाग में सिपाही था और आगरा में तैनात था, उसी ने उसको गोली मार के उसकी हत्या की थी। लगातार तब से वो फरार चल रहा था और आज करीब 1 महीने बाद बहुत प्रयासों के बाद उसकी गिरफ्तारी शिकोहाबाद पुलिस द्वारा की गई है। उस पर उसकी गिरफ्तारी के लिए कई टीमें भी बनी थी। उस पर 15,000 का इनाम भी घोषित था। गिरफ्तारी के बाद पूछताछ पर उसने अपना पूरा जुर्म कबूल किया और उसने बताया कि उसको शक था कि उसकी पत्नी किसी और से फ़ोन से बात करती है। और घटना के दिन भी जब उसने उसकी अपनी पत्नी का फ़ोन लेकर उसकी रिकॉर्डिंग चेक करना चाहा तो उसी में दोनों का विवाद हुआ और गुस्से में आकर उसने, जो उसके पास एक अवैध पिस्टल थी, उसी पिस्टल से 4 गोली मारकर उसकी हत्या करके फरार हो गया था। इस प्रकार चूँकि वो सिपाही था, बहुत ही चालाकी से अपने को बचने का पूरा प्रयास कर रहा था। कई टीमें इसकी गिरफ्तारी के लिए बनी थी और आज एक सूचना पे कि वो सुभाष तिराहा पे देखा गया है और कहीं जाने के फिराक में है। घेराबंदी करके उसको उसी पिस्टल के साथ, जो वाला कतल पिस्टल है, मैं पिस्टल के गिरफ्तार किया गया है और पूछताछ को उसने अपना पूरा जुर्म स्वीकार किया है। फिरोजाबाद से अवनीश शर्मा की रिपोर्ट। मैं शिवांगी, एएफसी टुडे न्यूज़।